अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान मुश्ताक है और मैं डिजिटल फील्ड में काम करता हूँ, जैसे कि फेसबुक एड ब्रेक्स और फ्रीलांसिंग वगैरह। तो मुझे एक्चुअली पेट्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो अभी मैंने अपने घर में मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। उस्मान आ जा भाई, तू भी आ जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यार उस्मान, मैं उधर खड़ा देख रहा था यार, तेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है छत के ऊपर, क्यों ना तू एक बड़ा सा केज बनवा ले उधर। भाई केज क्या करना है, मुर्गियों के लिए तो एक है तो सही है, पहले उसमें मुर्गियां ठीक हैं, पहले काफ़ी यार जगह मैं है। सोच रहा हूँ कि तू ना परिंदे वगैरह ला कर रख यार, कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ ला कर रख यार इधर, क्या ख्याल है तेरा इसमें? परिंदे वगैरह? भाई परिंदे किधर से लेके आएंगे? यार परिंदे ले आएंगे यार, इसमें क्या मसला है, परिंदे मिल तो जाते भाई हैं मार्केट परिंदे तो से। ले आएंगे तो उनको मैनेज वगैरह कैसे करेंगे, मतलब सारा क्या उनका। उसमें क्या तूने मैनेज करना है, मुझे बताओ उसमें क्या तूने मैनेज करना है। भाई अभी 8-10 मुर्गियां हैं तो उनकी सफाई में मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। हाँ तो जब परिंदे आएंगे ना हाँ तो मैं तेरे साथ मिल के तेरी हेल्प कर दूंगा, इसमें क्या तो मसला है। भाई दूसरा हेल्प तो तू भी, चलो इतनी तो तू कर देगा, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि तू आए 1-2 दिन आए उसके बाद तू आए नहीं, तो नहीं ना मैं यार, कैसे नहीं ना लूँ। यार, मैं अपनी पसंद के भी लेके आऊँगा ना अंदर से परिंदे, हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं तेरे साथ पूरी तेरी हेल्प करूँगा, इसमें क्या मसला है यार। चलो ठीक है भाई, अगर तू कह रहा तो कर लेते हैं ये भी। मैं अपनी पसंद के वो परिंदे भी ले आऊँगा, कुछ मेरे दो तीन मुझे जानवर भी पसंद है, वो भी मैं ले आऊँगा, इधर रख लेंगे, चलो इतनी ज़्यादा तेरे पास जगह है। चलो भाई ठीक है, तूने कर लेते पहले हैं शुरू, वो तूने तो कोई पहले भी तो मसला नहीं। वो हाँ बकरियाँ वगैरह रखी हुई थी ना, वो तो रखी हुई थी हाँ पहले तो मैंने। फिर मैं भी इधर ला के, मुझे भी बकरी का शौक है, वो ला के चलो रख लेते हैं, ठीक है भाई, क्या कर ख्याल है लेते तेरा। हैं, कर लेते हैं, कर हाँ लेते हैं। चलो सही है, ये देखे दोस्तों, ये पहले ऐसा हुआ करता था, ये देखें जरा इसकी कंडीशन, देखें जरा इसके अंदर, ये देखें दोस्तों, अब हमने इसको धो लिया और अब हम इसको ना सुखा रहे हैं कि जो है ना हम इनको अपनी मुर्गियों को ना अंदर बंद कर सकें। देखें जरा सर्दी की वजह से ना इतनी जल्दी सूख नहीं रहा, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूख जाए, क्योंकि शाम होने लगी है, तो अब हमने ना अपनी मुर्गियों का बंद करना है इधर अंदर। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा केज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उस दिन बासित ने मुझे एग्री कर लिया था कि हम लोग इधर ला के और परिंदे और जानवर वगैरह रखेंगे। तो पहले हमारा प्लान था कि हम लोग इस दीवार के साथ इसको बनाते हैं, लेकिन इधर जो बनाने वाले हमने उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि इधर आपका जो केज है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि इधर दीवार एक है और आगे सारे ये बांस वगैरह हमें लगाने पड़ने थे, तो उसकी वजह से हवा जब आती तो इसका थोड़ा मसला हो सकता था। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लोग इस साइड पे बनाएं, क्योंकि इस साइड पे हमारा ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग इस साइड पे इसको बना लो, तो वो काफ़ी ईजी भी रहेगा और मजबूत भी हो जाएगा। हमने सोचा कि अगर इधर ही बनाना है तो इधर तो हम खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारा स्क्वायर बना हुआ था तो इसका सिर्फ इधर से साइडों से इधर से कवर करना था और इसको ऊँचा करना था। तो लेकिन जब हमने बनाना शुरू किया तो ये इतना इजी नहीं था जितना हम लोग समझ रहे थे। ये इसने हमें तकरीबन एक वीक हो गया हम इस पे लगे हुए हैं। हम ना ऑफिस जा रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं नाश्ता करके ऊपर आ जाते हैं और रात को 12 बज जाते हैं हमें इसको बनाने में। तो अभी भी ये टोटल कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका ये जो है ये जो दरवाज़ा है ये बना, इसमें जाली लगनी है आगे और इसके साथ इसने फिक्स होना है। अभी ये जो है उधर से भी ये रहता है, ये एक साइड से भी इसका सारा इसमें साइड से भी ये है, इधर से इधर हमें कोई चीज़ अभी लगानी पड़ेगी। ऊपर भी हमें इस साइड पे भी हमारा सारा प्लास्टिक स्टॉपर जो है वो डालने वाला, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर जो भी हम ला के रखेंगे बर्ड्स वगैरह या जो भी चीज़ें रखेंगे वो सर्दी से बीमार हो सकती है, मर भी सकती है। उस्मान यार वो देख, वो उधर से भी रहता है प्लास्टिक, वो देख उधर से, उधर से इसको भी सारा इधर से अटैच करने वाला है, ऊपर से इसको सारा दीवार के साथ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसे ही और भी इधर भी ये सारा इधर भी प्लास्टिक लगने वाला है, ये साइड पे भी सारा प्लास्टिक शॉपर लगेगा ताकि सर्दी का जो है वो हवा अंदर ना आ सके और इसके अंदर जो है हीट रहे वैसे की वैसे। अब हमने इसको इतना बड़ा इसलिए बनाया कि ताकि हम बाद में अगर और जितने भी हम बर्ड्स और जो भी हमने लाना है पेट्स वगैरह वो जहाँ ला के हम जितने भी अंदर रखना चाहें ईजीली हम इसके अंदर रख सकें। अब ये जो हमारे पास दीवार इसके हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम ला के जो है वो नेस्ट जो होता है घोंसले होते हैं वो लगा सकते हैं, इस ये जो बाकी दीवारें हैं तीन इन पे हम पार्टीशन वगैरह बना सकते हैं। और आज हमने सोचा था कि हम इसको आज ना कंप्लीट कर देंगे सारा, लेकिन रात को हम ऑलमोस्ट 12 बजे तक बनाते रहे इसको सारा, इसको ही लगे हुए थे, कल जाली वगैरह लगा रहे थे और ऊपर ये डाल रहे थे जो है ये सिरकी कहते हैं आई थिंक इसको, तो ये हम कर रहे थे। तो 12 एक बजे तक हम इसको करते रहे, तो आज सुबह उठते उठते हमें ऊपर आते थे हमें एक बज गए। तो सर्दी भी आजकल बहुत ज़्यादा है इधर हम गुजरांवाला में, तो इधर तो 11 बजे तक तो धुंध ही रहती है, सिर्फ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो आजकल 4 बजे तो शाम हो जाती है। तो अभी हम एक बज के हमें ऊपर आते आते हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको आज जितना कंप्लीट हो सकता है उतना करते हैं, तो बाकी फिर इसको हम ना कल इंशाल्लाह ताला कल या परसों इसको सारा कंप्लीट फाइनलाइज करके ये सारे शॉपर वगैरह डाल के इसके ऊपर इसको कवर अप करके तो फिर हम इसमें ला के पेट्स वगैरह ला के रखना शुरू कर देंगे। करने लगे थे कि इसको हम जितना कंप्लीट कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन हमने सोचा कि इससे पहले एक वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को थोड़ा अपडेट कर दे कि हमारा केज किधर तक पहुंचा है। अब ये सारे इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद में इसकी सारी ये इसका हमें सफाई भी करनी पड़ेगी ये सारे, क्योंकि तो जितने भी हमारे कट पीस हैं जो भी है वो सारा कुछ अभी इधर ही पड़ा हुआ है, फिर इसकी सफाई करेंगे तो फिर हम इसमें ला के पैड्स वगैरह रखेंगे इसमें। चलें दोस्तों, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अगर आप भी पैट्स का शौक रखते हैं तो हमारे चैनल जानवर घर को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।